तो डेली स्किन केयर रूटीन में हम लोग क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, लिप बाम, ये हमने सीखा था कि किस तरह से करना चाहिए। अब वीकली स्किन केयर पे आते हैं और मंथली स्किन केयर पे आते हैं, और 15 दिन में भी एक बार अगर क्या कर सकते हैं स्किन की केयर के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमारी स्किन जो है वो किस तरह से काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी स्किन है वो बहुत सारे लेयर का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला लेयर होता है, यानी जो हमारी जो ऊपरी जो स्किन है जो हमें दिख रही है, इसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर इसके नीचे डर्मिस होता है, इसके नीचे हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस के अंदर स्वीट ग्लैंड्स होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। तो ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। होता क्या है, जिस तरह से हमारा जो ये साइकिल डे बाय डे चलता है, तो एक अंदाज़ा मान के चलते हैं कि हर 30 दिन में हमारी जो स्किन है वो डेड स्किन में कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर की जो स्किन है, जैसे हमारा नाखून जो है, फॉर एग्जांपल हमारा जो नेल्स है, आपने इसको देखा है कि यहाँ वाला जो नेल है, अगर आपने मेहंदी लगाई है तो ये चीज़ आपको इजीली शो होगा कि मेहंदी जो है वो ऊपर बढ़ते 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 ऊपर की तरफ आ जाती है। और अगर आप नेल्स को नहीं भी कट कर रहे हो तो भी एक डे बाय डे ये खुद ही कमज़ोर होकर या घिस कर, या फिर हम लोग बर्तन घस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा कट हो जाता है। या तो फिर नेचुरली कट होगा तो वो बराबर से कट नहीं होगा, उसे हम नेल कटर से अगर अच्छी तरह से काटते हैं तो एक अच्छा शेप और इसको अच्छा सा एक प्रोसेस मिल जाता है। तो इसी तरह का प्रोसेस हमारी स्किन के साथ में भी होता है। हमारी जो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस है ये ऊपर आते जाती है, इस तरह से बढ़ते रहती है, और ऊपर आके ये एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो एपिडर्मिस है ये जो स्किन हमारी स्किन का डेड सेल होता है, एक तरह से इसे बोल सकते हैं कि हमारी स्किन का डेड पार्ट है। अगर हम उसे स्क्रब करके, यानी कि एक्सफोलिएट करके, मतलब एक केमिकल प्रोसेस या कुछ भी करके हम लोग इसको अगर निकालेंगे तो ये पूरा इवनली अच्छे से निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हम लोग नेल्स को नेल कटर से कट करेंगे तो अच्छी तरह से नेल्स को एक शेप भी आ जाएगा। अब एक्सफोलिएशन में कितने टाइप्स होते हैं, तो एक्सफोलिएशन में सबसे जो मेन कॉमन टाइप है वो है स्क्रब करना। तो स्क्रब कैसा, होममेड स्क्रब बना लीजिए, मार्केट में बहुत अच्छे टाइप के स्क्रब आते हैं वो ले लीजिए आप। फिर उसके बाद स्किन पीलिंग वाला भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आप पील लगाते हैं और स्किन के ऊपर छोड़ देते हैं, और फिर बाद में वो अपने आप पूरा एपिडर्मिस जो लेयर है उस तरह से निकल जाता है। हमें क्या करना चाहिए या क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना चाहिए, तो हमें हफ्ते में एक बार जो है वो स्क्रब करना चाहिए। चारकोल स्क्रब आप बना सकते हो, मेरा एक वीडियो भी है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि चारकोल स्क्रब किस तरह से बना के उसको, बहुत ही अच्छा वो स्क्रब है। या फिर मार्केट में कोई भी अच्छा स्क्रब ले लीजिए, उसको लगाना है आपको अच्छी तरह से, सर्कुलेशन मोशन में घुमाना है, और आपका एपिडर्मिस का जो लेयर है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा, और इसे स्किन प्रॉब्लम भी ख़त्म होती है, स्किन जो है वो काफ़ी ग्लोइंग दिखती है। तो ये हो गया एक्सफोलिएशन। अब जो आते हैं क्लीन, ये आपको हफ्ते में एक बार करना है। अब आते हैं क्लीन अप की तरफ। क्लीन अप एक्सफोलिएशन से थोड़ा एडवांस है। इसमें हम लोग पहले क्लींजिंग मिल्क लगाते हैं या फेस वॉश लगाएंगे, फिर दूसरा प्रोसेस हम लोग इसमें स्क्रब लगाते हैं, मसाज करते हैं, हल्का सा स्टीम देके स्किन की सारी इनप्योरिटीज़ को निकालते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग फेस पैक या फेस मास्क कुछ भी लगा के फेस को पैक कर देते हैं। तो ये कंप्लीट स्किन का क्लीन अप प्रोसेस हो जाता है, तो इसके लिए इसे क्लीन अप बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग फेशियल की तरफ। फेशियल जो है वो क्लीनअप से भी एडवांस का है। अब फेशियल में क्या होता है, तो फेशियल में भी ये दोनों चीज़ें आती हैं जो हम लोग ने पहले वाले प्रोसेस में की थी। सबसे पहले स्किन को क्लीन किया जाता है, इसके बाद इसको स्क्रब किया जाता है, स्टीम दिया जाता है, स्किन के इनप्योरिटीज़ को निकाला जाता है, इसके बाद इसमें जेल का मसाज किया जाता है जिससे स्किन में जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए, फिर इसके बाद क्रीम का मसाज दिया जाता है, लिफ्टअप किया जाता है, अगर आपकी स्किन में कुछ झुर्रियाँ आई हैं तो उसको इस तरह से लिफ्ट अप किया जाता है। मसाज करने से ये सारा जो है स्किन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन में एक ग्लो आना चालू हो जाता है। दो दिन के बाद, एक दिन के बाद आपको फील होगा कि जब आपने फेशियल कराया है तो ग्लो भी आ रहा है, तो ये बेनिफिट मिलता है। अब फेशियल कराने के बाद जब आप मेकअप कराओगे ना तो उसका ग्लो ही अलग आएगा, क्योंकि स्किन जो है नेचुरली ग्लो कर रही है और उसके साथ में जो आपने मेकअप किया है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठ जाता है। तो ऑल ओवर मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो एक्सफोलिएशन है या क्लीनअप है या फेशियल है,
ये कराने से हमारी जो स्किन का डेड सेल है, डेड स्किन है, वो पूरी निकल जाती है। इसके बाद हम लोग उसमें मसाज करके एक्स्ट्रा विटामिन पेनेट्रेट करते हैं, फेस मास्क लगाते हैं ताकि स्किन के जो पोल्स है वो स्मॉल हो जाए और अच्छी तरह से पैक हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, इसको भी करना ज़रूरी है एज ए ब्यूटिशियन, एज ए मेकअप आर्टिस्ट, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो स्किन है इसमें डेड सेल है, आपको किस तरह से पता चलेगा? इसके लिए आपको लेना है सेलो टेप, एक छोटा सा 1 इंच या 2 इंच का सेलो टेप लीजिए। इसे आप अपने फॉरहेड पे लगाइए और हल्का सा रब करना है आपको, और फिर इसके बाद आपको धीरे से खींच लेना है। अब इसके बाद इस जो सेलो टेप आपने खींचा है उसको आप लाइट की तरफ लेके जाइए, जहाँ पे भी लाइट हो। उसमें आपको अपनी स्किन के छोटे छोटे लेयर्स आपको दिखेंगे, मतलब स्किन की जो परत होती है जो निकल गई रहती है वो आपको दिखेगी। अगर आपको दिख रही है यानी कि आपको एक्सफोलिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको क्लीन अप या फेशियल या एक्सफोलिएशन कराना चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये पूरा जो सेशन है ये पूरा समझ में आया हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।